हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइनक्स किंग्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया जिसमें हम बात करेंगे वीलन की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वीलन्स होती क्या है। तो दोस्तों, वीलन बेसिकली वर्चुअल लैंस होती है जिसमें सपोज बहुत सारे होस्ट होते हैं और वे सेम स्विच के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो सेम स्विच में कनेक्टेड होते हुए भी उन्हें ये लगता है कि वो अलग नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। उनमें हम क्या करते हैं, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, दो डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी में, एक सेल्स का है और एक एचआर मैनेजमेंट है, ठीक है। इन दोनों में भी कुछ मिसकम्युनिकेशन रोकने की वजह से या फिर कुछ आप डेटा बैंडविड्थ शेयरिंग को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उसके ऊपर विलेन कॉन्फिगर कर देते हैं। तो उसमें ये क्या होता है कि जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके होस्ट को अलग एक विलेन के अंदर कॉन्फिगर कर देते हैं और जो सेल्स का जो डिपार्टमेंट है उसका अलग विलेन कॉन्फिगर कर देते हैं। तो चलिए, आज हम इसी को लैब के थ्रू सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो स्विचेस लेंगे। तो यहाँ पे मैं दो स्विच ले लेता हूँ, 29 सीरीज के दो स्विच ले लिया। अब इसके नेक्स्ट हम यहाँ से कुछ नोड्स ले लेते हैं जो कि यहाँ पे आपस में कम्युनिकेट करेंगे। 3, 4 and 1, 2, 3, 4। अब नेक्स्ट हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। पहले हम एक 2-2 का पेयर बना लेते हैं जिससे हमें आसानी रहेगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 2-2 का पेयर बना लिया है, अब जिनके लिए हम क्या करने वाले हैं, विलेन क्रिएट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम इनको वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉपर स्ट्रेट वायर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे FE02 पोर्ट के साथ इस PC को कनेक्ट कर देते हैं। FE03 के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। FE04 के साथ इस वाले को कनेक्ट कर देते हैं। सेम हमें इस नेटवर्क में भी करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक C क्लास का एक नेटवर्क लेंगे 192 की सीरीज़ में। अब उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसका सबनेट करेंगे, दो नेटवर्क बना लेंगे, ठीक है। और उन दोनों, वैसे नेटवर्क एक रहेगा लेकिन उसका सबनेट बना लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नोट सेलेक्ट करके। तो मेरा एक नेटवर्क है 192.168.1.0, ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है। इसको मैंने दो सबनेट में बांट दिया है। तो एक तो मेरा ऊपर वाला हो जाएगा, ये मेरा /25, और इसके लिए जो मेरा सबनेट मास्क होगा वो 255.255.255.128। जो नेक्स्ट मेरा सबनेट होगा 192.168.1.128 से स्टार्ट होगा एंड देन 25, और इसका भी जो सबनेट मास्क है वो सेम रहेगा, ठीक है, 255.255.255.128। तो ये मेरे दो नेटवर्क्स हैं। अब इसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कॉपर क्रॉस वायर लेंगे, उसको दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम इसको एक स्टैटिक IP प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ से एक ड्राइंग कर देते हैं जिससे आप लोगों को सही से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके नेक्स्ट आउटलाइन मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिल कलर करेंगे, यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करके यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं एक डिपार्टमेंट के लिए, इसको हम नाम दे देंगे HR डिपार्टमेंट। अब इसके नेक्स्ट हम दूसरा कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको हम रखेंगे सेल्स का डिपार्टमेंट, ओके, सो दैट इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ से इसको अब मैनेज कर लेता हूँ। ये मेरे क्या है, दो सब नेटवर्क्स हैं। तो जो ऑरेंज वाला ऑरेंज से कॉन्टेक्ट करेगा यहाँ पे, और ये वाला कलर जो होस्ट है, नोड्स है यहाँ पे, वो इस नोड से कॉन्टेक्ट करेंगे, यहाँ से कम्युनिकेट करेंगे। अब इसके नेक्स्ट हमें यहाँ से स्टैटिक IP प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से IP दे देते हैं इनको, 192.168.1.1 से स्टार्ट होगी इस नेटवर्क की IP, और इसका जो सबनेट मास्क है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है,
दो नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो मैं इसकी आईपी यहां से कॉपी कर लेता हूं एंड नेक्स्ट जो सेकंड पीसी है मेरा यहां पे इसको आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं एंड देन यहां से इसकी आईपी 2 ओके एंड यहां पे इसका जो सबनेट मास्क है 128। इसके नेक्स्ट हमारे पास ये जो नेक्स्ट नोड्स हैं इसमें हम इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे 192.168.1. हम यहाँ से इसको 130 के अबव वाली आईपी दे देते हैं। इसका सबनेट मास्क सेम रहेगा यहाँ से 128। नेक्स्ट इस पीसी के लिए भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ही हम जो भी है हमारे पास 8 होस्ट हैं उसमें ये सेम रहेगा ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से इसका जो सबनेट मास्क है वो चेंज कर देते हैं 128। नेक्स्ट फॉर दिस नेटवर्क हम यही करेंगे और अब क्या करेंगे जो ऑरेंज वाला है इसमें हम इसी नेटवर्क की आईपी देंगे, यहाँ पे हम डिफरेंट आईपी नहीं देंगे क्योंकि हम यहाँ पे इसको सेम नेटवर्क के थ्रू कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से हम इसको 3 कर देते हैं एंड देन यहाँ पे इसका जो सबनेट मास्क होगा 128। इसके नेक्स्ट क्या होगा इसको भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं ओके। तो ये यहाँ से हम इसको 5 कर देते हैं एंड इसका सबनेट मास्क विल बी सेम 128। तो हमारे पास अब जो लास्ट पीसी है हम इसको जो सबनेट सेकंड है उसकी आईपी देंगे। तो ये सबनेटिंग वाला यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसमें गड़बड़ कर देंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हम इसको देंगे 133 एंड देन यहाँ से 128। अब इसके नेक्स्ट लास्ट पीसी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं यहाँ से इसको हम कर देते हैं 135 एंड 128। अब हमने जो बेसिक सेटिंग है इसको जो आज स्टैटिक आईपी है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे वीलैन क्रिएट करेंगे। तो वीलैन क्रिएट करने के लिए हमें स्विच पे जाना पड़ेगा ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दो स्विच है, पहले हम स्विच इस पे जाएंगे स्विच 2 पे। तो यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद हम यहाँ पर इसका जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है उसमें चलते हैं। इसके नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप इसको होस्ट नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो होस्ट नेम दे सकते हैं, होस्ट नेम में इसका सेल्स रख देता हूँ। तो इसका होस्ट नेम सेल्स हो गया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रंकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रंकिंग हमें काम क्या आती है। तो ट्रंकिंग का यूज़ ये होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे विलेन क्रिएट कर दिया है तो विलेन के बाद में जब यहाँ से मैं कोई भी इस नोड्स के थ्रू कोई भी पैकेट सेंड करूँगा तो विलेन क्या करेगा उसके जो फ्रेम्स यहाँ से ट्रेवल करेंगे उस पर एक फ्रेम टैगिंग कर देगा जिससे ट्रंक को ये पता लगेगा कि ये जो फ्रेम आया है इस नेटवर्क से वो किस डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो इस ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ट्रंक ही उसी बात को समझता है, अगर आप यहाँ पे ट्रंक क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारा जो वीलैन है वो कॉन्फ़िगर नहीं होगा सही से, वो काम नहीं करेगा। तो ट्रंक इज़ वेरी यूजफुल। तो ट्रंक क्रिएट करने के लिए हमें इसका इंटरफेस चेक करना होगा, ये जो पोर्ट है इसका इंटरफेस है FA05। तो स्विच के इस पोर्ट पर जाना पड़ेगा। तो पहले हमें इसको ग्रीन होने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये अब क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ से इंटरफेस FA05 पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे स्विच पोर्ट मोड, अब यहाँ पे करेंगे ट्रंक जिससे कि यहाँ पे ट्रंक इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इनेबल होने पे दोबारा से टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट यहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ से विलेन क्रिएट कर लेते हैं। तो विलेन क्रिएट करेंगे हम, मेरी फर्स्ट विलेन है उसको हम 100 रखेंगे और उसको एक नेम दे देते हैं जिसका नाम होगा सेल्स। यहाँ से वापस एग्जिट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगेन एक और विलेन क्रिएट करते हैं, यहाँ से विलेन 200। नेक्स्ट उसको नेम दे देंगे हम HR। नेक्स्ट वापस यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब दोनों हमने क्या कर लिए, दो विलेन यहाँ से क्रिएट हो चुकी है, विलेन 100 एंड विलेन 200। अब इसके नेक्स्ट सेम हम इस पीसी पे करेंगे, इसके नेक्स्ट सेम हम इस स्विच पे भी करेंगे। पहले यहाँ से हम इस पे जाते हैं, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे इसके, सॉरी यहाँ पे कॉन्फ एंटर। नेक्स्ट इंटरफेस इसका कौन सा है, FA05। उस पे पहले हम क्या करते हैं ट्रंक क्रिएट करते हैं, स्विच पोर्ट मोड एंड ट्रंक। यहाँ से एग्जिट होते हैं, विलेन क्रिएट करेंगे 100, नेम दे देते हैं यहाँ पे सेल्स का और एग्जिट होते हैं यहाँ से। इसके नेक्स्ट एक और विलेन क्रिएट करेंगे जो हमारी थी विलेन 200,
यहाँ से उसको नेम प्रोवाइड करेंगे एच आर। नेम आप सेम भी रख सकते हैं या फिर कुछ भी देना चाहें वो दे सकते हैं, बट इनकी जो नंबरिंग है यहाँ पे 100 यहाँ पे 200 ये सेम होनी चाहिए। अगर इसमें अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो वो तीसरी वेलाइन क्रिएट हो जाएगी। तो अब यहाँ से एग्जिट होते हैं हम। अब जो हमारा मेन काम है वो बच गया है। तो यहाँ पर मेरा है सेल्स, सेल्स का है, और ये है वेलाइन 100, और ये वाला है मेरा एचआर डिपार्टमेंट, और इसकी वीलैन है 200। तो ये मैंने यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम पहले इंटरफेस, इसका इंटरफेस था इंटरफेस FA01, तो उस पे जाएंगे इंटरफेस FA0/1। अगर आपके पास ज़्यादा इंटरफेस है तो आप रेंज का यूज ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेंज। अगर मैन्युअली करना चाहे तो मैन्युअली भी कर सकते हैं -2 एंटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्सेस इंटरफेस बनाएंगे। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर। इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, विलन एक्सेस करेंगे। तो स्विच पोर्ट एक्सेस विलन। अब आप कौन सी विलन इसमें देना चाहते हैं, तो मैं विलन 100। तो इसके अंदर ये जो दोनों पोर्ट हैं 0/1 and 2, इन दोनों के ऊपर विलन 100 कॉन्फ़िगर हो चुकी है। नेक्स्ट सेम हम दूसरे वाले जो इंटरफेस है उसके लिए करेंगे। तो हम जाएंगे इंटरफेस, यहाँ पे रेंज, तो रेंज है मेरी FA0/3, 3 से 4 तक। इसको एक्सेस मोड पर करेंगे, हम एक्सेस इंटरफेस बनाएंगे पहले मोड और एक्सेस। नेक्स्ट स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 200, इन दोनों के ऊपर मैंने 200 कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब नेक्स्ट यहां से एग्जिट हो जाएंगे। अब मैंने क्या कर दिया है, इन दोनों के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया है। अगर आप यहां पे आपस में पिंग करवा के चेक करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा कि ये आपस में पिंग नहीं करेंगे। चलिए मैं इसको और इससे पिंग करता हूँ, तो ये यहाँ पर सक्सेस हो गया है। अगर मैं इसको और इसको यहाँ से करेंगे तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे फेल्ड दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे विलन कॉन्फ़िगर कर दिया है। नेक्स्ट हम इस पर करेंगे सेम चीज़। तो हम पहले इंटरफेस, यहाँ पे रेंज FA0/1-2 एंटर। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड देन अगेन स्विच पोर्ट एक्सेस विलन। अब देखिए इसमें जो ऑरेंज है इस कलर में हमने कौन सी विलन दिया है, 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100। अगर यहाँ पे 200 कर दोगे तो ये इसके साथ कम्युनिकेट करने लग जाएगा, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ से एग्जिट होंगे। जो हमारा दूसरा इंटरफेस है रेंज FA0/3-4 एंटर। एंड देन यहाँ पे वापस सेम चीज़ एक्सेस इंटरफेस बनाएंगे इसको, एंटर स्विच पोर्ट एक्सेस एंड विलन 200 एंटर। और यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे, यहाँ से एग्जिट, और यहाँ पे इसको आप राइट भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहें तो आप 100 विलन करके चेक कर सकते हैं कि हमने क्या कौन कौन से विलन क्रिएट कर रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विलन 100 और विलन 200। इसमें मैंने ये वाला इंटरफेस डाल रखा है और इसके अंदर ये वाला इंटरफेस यहाँ पे डाल रखा है। सेम आप यहाँ पे कर सकते हैं इस स्विच के ऊपर। आप यहाँ से पहले एग्जिट आ सकते हैं। एग्जिट आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 विलन ब्रीफ BR भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं 100 पे सेल्स है और 200 पे HR, और इसका जो इंटरफेस है मैंने यहाँ पे इसको ये दे रखा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विलन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको इस वाले PC को इस वाले PC से कम्युनिकेट कराओगे तो यहाँ पे ये पिंग हो जाएगा, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और इस वाले को कराओगे तो ये यहाँ पे फेल्ड दिखाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इनको दो वर्चुअल नेटवर्क में डिवाइड कर दिया है। ये कनेक्टेड तो सेम
लैन के अंदर है, बट लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो इनको, इन जो डिवाइसेज है इनको ये लगता है कि इनके लिए अलग अलग क्या है, लैन बना रखा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, जिसमें हमने जो वी लैन है उनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखा है, हाउ टू कॉन्फ़िगर वी लैन ऑन स्विच। अगर आपको पसंद आया तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगले वीडियो में मैं इंटरव्यू लाइन जो राउटिंग होती है उसकी वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।